हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जो महिलाएं गर्भधारण की इच्छुक होती हैं या अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले महीने में समझ ही नहीं आता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होता है वो इसी चीज में निकल जाता है कि आपकी जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो कब आएंगे। अगर वो मिस हो जाते हैं तो इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और इसके लिए आपको कम से कम 28 दिन का वेट करना पड़ता है आपके लास्ट मासिक धर्म की डेट से। आपके पीरियड मिस होने के बाद भी आपको कम से कम 10 से लेके 15 दिनों तक प्रेगनेंसी कंफर्म होने के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव की हो। किन्हीं अन्य परेशानियों की वजह से भी कभी कभी मासिक धर्म रुक जाता है या फिर देर में आता है। तो दोस्तों, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर भी ली है और पीरियड मिस होने के बाद अभी तक आपने अगर प्रेगनेंसी किट से टेस्ट नहीं किया है, तो भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। कौन कौन से हैं वो लक्षण, आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहला लक्षण तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो ये एक सबसे बड़ा लक्षण होता है जानने का कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस दौरान यानी कि आपको गर्भधारण करने के पहले हफ्ते से ही थकान बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, खासतौर पे सुबह के समय आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही हो और आपको अचानक से ऐसा लगने लगा हो कि सुबह के समय मुझे बहुत ज्यादा थकान लग रही है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा लक्षण होता है ये जानने का कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। क्योंकि इस दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनने लग जाता है और जिससे शरीर बहुत जल्दी जल्दी थकने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके ब्रेस्ट में बदलाव हो रहा है यानी कि आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, आपको लग रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ब्रेस्ट भारी हो रहे हैं, ये बहुत सख्त से हो रहे हैं या फिर सूजन आपको महसूस होती है, तो ये शरीर में हार्मोन्स चेंज की वजह से होता है, तो ये भी एक लक्षण है जिससे आप पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको सुबह के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस हो रही हो, उल्टियां आ रही हो, उबकाई सी आने लगी हो, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर महिलाओं को इस दौरान से ही जी मचलाना शुरू हो जाता है, उल्टी आना शुरू हो जाता है, इस तरीके की समस्या शुरू हो जाती है, तो ये भी एक लक्षण होता है ये जानने का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इन हफ्तों में सीने में दर्द हो, गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या फिर हल्का फुल्का सिर में दर्द रहता हो, ये सारे लक्षण भी जो होते हैं इनसे आप समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक अहम लक्षण होता है जिसमें कि इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं का मूड चेंज होने लग जाता है, मूड स्विंग होने लग जाता है, खाने पीने की पसंद नापसंद, खाने की महक आदि में बदलाव होने लग जाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि कई बार जो है इन महक से आपको उल्टी आने की संभावना हो जाती है, और इन महक से कई बार आपको शरीर में एलर्जी भी हो सकती है, और कुछ महक ऐसी हो सकती है जिन्हें आप बहुत ज्यादा पसंद कर सकती है। तो ऐसे ही मिले जुले ये लक्षण होते हैं दोस्तों जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आप गर्भधारण कर चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे लक्षण आपको अगर दिखाई दे और आपके पीरियड भी मिस हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपके 80 से लेकर 90% चांसेस है प्रेग्नेंट होने के। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको प्रेगनेंसी किट से कब टेस्ट करना चाहिए। तो जब भी आपके पीरियड मिस हो जाए तो इसके बाद कम से कम 10 से लेकर 15 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट को यूज कर सकती हैं। तो ये आपको बहुत ही सटीक और स्पष्ट रिजल्ट देता है और आप 100% कन्फर्म हो सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण प्रेगनेंसी के जिनसे आप जान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हमारे इस चैनल वन इन्फॉर्मेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।